नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जन लाभोगी शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापित नीति, शिक्षा विभाग ने कमेटी की प्रस्तावित नीति को दी सहमति। हफ्ते भर में मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। बिहार में इंजीनियरिंग की पढ़ाई मात्र 10 रुपए में, पॉलिटेक्निक फीस 5 रुपए। टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बोले, सिर्फ टोकन मनी ली जाती है। व्हाट्सएप पर परेशान करने वालों की अब खैर नहीं, मैसेज आते ही अपने आप होंगे ब्लॉक। व्हाट्सएप अपने बीटा वर्जन में ला रहा है एक नया फीचर। बीपीएससी ने 1957 पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। आधिकारिक वेबसाइट पर करें आवेदन। यात्रा के दौरान भूल गए हैं आईडी या टिकट तो घबराए नहीं, अपनाएं ये तरीका और करें बिंदास यात्रा। नहीं उतारेगा टीटी ट्रेन से। ऋषभ पंत का मुरीद हुआ महान विकेटकीपर, एडम गिलक्रिस्ट ने की पंत की तारीफ, कहा इतिहास का सबसे शानदार कमबैक। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, पश्चिम रेलवे ने 5000 से भी अधिक पदों पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 50% अंकों के साथ 10वीं पास किया हो, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सभी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के अंदर पोर्टल पर बच्चों के नाम आधार के साथ अपडेट करें। अंतिम तिथि 28 सितंबर है। जिला शिक्षा कार्यालय ने बताया है कि सरकारी विद्यालयों में 95% बच्चों का आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, जबकि निजी विद्यालय इस मामले में पीछे हैं। छात्रों के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए पटना में 46 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी निःशुल्क आधार कार्ड बनवा सकते हैं। नया आधार कार्ड बनाने के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे लखीसराय जिला के बारे में। ये जिला धार्मिक पर्यटन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। यहाँ आपको अशोक धाम मंदिर, बौद्ध मठ राजौना, श्रृंगी ऋषि आश्रम, महारानी स्थान बरहैया, सूर्य मंदिर पुखरामा, लाल पहाड़ी लखीसराय, जलप्पा स्थान, अभिनाथ स्थान आदि कई जगह हैं। इन पर्यटन स्थलों पर आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना की नई नीति का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। इस नीति को जल्द ही विधि विभाग की स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस विषय पर बैठक की और सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। नीति के सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत शिक्षकों के स्थानांतरण, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग और बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग का पुनर्गठन भी शामिल है। बिहार सरकार इस वर्ष पैक्सों के माध्यम से दलहन और मक्का की खरीद करने जा रही है। ये खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित MSP पर होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव N. सरवन कुमार ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने राज्य के लगभग 500 व्यापार मंडलों को भी इस खरीद प्रक्रिया के लिए तैयार रहने को कहा है। धान की खरीद 1 नवम्बर से शुरू होगी, जिसमें सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसान केवल उन अनाजों की बिक्री कर सकेंगे जिनके लिए वे कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित हैं। अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान लोअर बर्थ सीट बुक करना चाहते हैं तो कुछ खास रूल्स फॉलो करने पर आप आसानी से लोअर बर्थ प्राप्त कर सकते हैं। टिकट बुक करते समय बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अलॉटेड का विकल्प चुनें। इस विकल्प को चुनने पर ही आपको लोअर बर्थ मिल सकती है। अगर आपने ये विकल्प नहीं चुना है तो आपको अपर या मिडिल बर्थ मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप ट्रेन में ऑन ड्यूटी TT से संपर्क करके लोअर बर्थ के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई अब बेहद सस्ती हो गई है। राज्य सरकार ने बीटेक के लिए केवल 10 रुपये और पॉलिटेक्निक के लिए 5 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया है। इस संबंध में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित सिंह ने जानकारी दी कि लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला हो रहा है। बता दें कि बिहार में कुल 38 इंजीनियरिंग और 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जहाँ छात्रों को मात्र टोकन मनी के रूप में ये शुल्क देना होता है। मंत्री ने यह भी बताया कि पटना में एक नया साइंस सेंटर अगले 4 महीनों में आम लोगों के लिए खोला जाएगा। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते पटना में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पटना के जिलाधिकारी ने इस स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाते हुए 76 स्कूलों को 26 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। बता दें कि पहले 21 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन गंगा नदी में तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये अवधि बढ़ा दी गई है। विशेष रूप से दियारा इलाके के विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिले के 8 प्रखंडों के 76 स्कूल बंद रहेंगे। बेगूसराय में जीविका द्वारा 27 सितंबर 2024 को एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम हाई स्कूल पास होना जरूरी है और उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों की हाइट 166 सेंटीमीटर और वजन 55 किलो से अधिक होना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन तेघरा नगर परिषद में किया जाएगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। रोजगार प्रबंधक सुधीर कुमार के अनुसार इस मेले में कई प्रमुख कंपनियां शामिल होंगी। युवाओं से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद सदर प्रखंड के कल्पा गांव से रिमोट के माध्यम से कुल 122 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 57 करोड़ 14 लाख रुपए की योजनाएं उद्घाटन की गई, जबकि 65 करोड़ 62 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से जहानाबाद पहुंचते ही सरस्ताबाद गांव के पास NH 30 और नाथूपुर गांव के पास NH 83 को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पटना गया डोभी लिंक पथ का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पटना गया डोभी NH 83 मार्ग पर अवस्थित जहानाबाद में निर्माणाधीन आरओबी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब ये मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना से डोभी की दूरी महज 2 घंटे में तय की जा सकेगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने मूर्ति विसर्जन के लिए नई सूचना जारी की है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने सभी पूजा समितियों और स्थानीय निकायों को इन मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गाइडलाइन के अनुसार पूजा सामग्री जैसे फूल और सजावटी प्लास्टिक को विसर्जन करने से पहले हटाना जरूरी है। इसके अलावा कृत्रिम तालाबों में ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, जबकि किसी भी प्राकृतिक जलाशय में विसर्जन पर प्रतिबंध रहेगा। समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि विसर्जन के 48 घंटे के भीतर सभी अवशेषों को हटा दिया जाए। BPSC ने 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार आयोग ने कुल 1957 पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है, जो कि BPSC के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। बता दें कि इसका नोटिफिकेशन बीते दिन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024 है। इच्छुक अभ्यर्थी BPSC के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में जमीन और फ्लैट के निबंधन के लिए ई स्टाम्प की कमी जल्द दूर होगी। निबंधन विभाग ATM की तरह स्टाम्प वेंडिंग मशीनें लगाने की योजना बना रहा है, जिससे लोग आसानी से ये स्टाम्प निकाल सकेंगे। विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि पटना में पहली मशीन का ट्रायल होगा, उसके बाद अन्य जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में ये स्टाम्प की बिक्री कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से होती है और फ्रैंकिंग मशीन से भी ये स्टाम्प उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके साथ ही निबंधन विभाग ने 586 पदों पर भर्ती के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है, जिसमें अवर निबंधक लिपिक और कार्यालय परिचारी के पद शामिल हैं। रेलवे के नियम के अनुसार ट्रेन में यात्रा करते समय ई टिकट या ID ले जाना भूल जाते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आपको टीटी ट्रेन से नहीं उतारेगा। बता दें कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपके फ़ोन पर रिजर्वेशन की डिटेल्स आती है। आप इस मैसेज को टीटी को दिखाकर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। यदि आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप डिजी लॉकर खोलकर उसमें मौजूद दस्तावेज दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। अगर आपने अपनी टिकट खुद से बुक की है तो IRCTC की रेल कनेक्ट ऐप से दोबारा ई टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और टीटी को दिखा सकते हैं। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके निकट कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश में भी 25 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रदेश में दक्षिण और उत्तर पूर्व भागों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच देखने को मिल सकती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी ने 29 सितंबर 2024 को बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करेगा। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने बिहार की यूनिवर्सिटी में संचालित होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन के लिए आवेदन किया है तो वे आज अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको मांगी गई डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे। बिहार के बांका जिले में रोड और रेलवे नेटवर्क के बेहतर होने के बाद अब हवाई सफर शुरू होने की आस जाग गई है। प्रशासन ने हवाई अड्डे के लिए 29 एकड़ जमीन चिन्हित किए हैं। DM अंशुल कुमार ने इस जमीन की मापी करने का आदेश दिया है। मापी के बाद अब जल्द ही सीमांकन का काम भी शुरू हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में बांका जिला हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। इससे न केवल लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे यहाँ के उद्योग और कारोबार को भी गति मिलेगी। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक नया फीचर पेश किया है जो अनजान अकाउंट से भेजे गए अनचाहे मैसेज को फिल्टर करता है। यह अपडेट फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और इसे मैनुअल तौर पर सक्रिय किया जा सकता है। इस नए फीचर का उद्देश्य यूजर्स को स्पैम मैसेज से सुरक्षित रखना है। वे इसे 3-डॉट मेनू पर जाकर सेटिंग्स, फिर प्राइवेसी, उसके बाद एडवांस, फिर ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज पर जाकर सक्षम कर सकते हैं। एक बार सक्रिय होने पर यह फीचर अनजान अकाउंट द्वारा भेजे गए मैसेज को एक तय मात्रा से अधिक होने पर ब्लॉक कर देगा। चलिए जानते हैं ट्रैफिक नियमों के एक ऐसे पहलू के बारे में जो बहुत से लोगों की नज़रों से ओझल रह जाता है। हम बात कर रहे हैं रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के नियमों के बारे में। बता दें कि अगर आप सड़क पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए आपका चालान 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक लिया जा सकता है। अगर आप बार बार इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जा सकता है। इससे भी गंभीर बात यह है कि आपको जेल भी भेजा जा सकता है। इसलिए आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आर्यभट्ट गणित चैलेंज के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल cbseit.in पर के लिंक पर जाकर भाग लेने के इच्छुक बच्चों का पंजीयन 25 सितंबर तक कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता को 2 स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। लेवल 1 का आयोजन स्कूल स्तर पर होगा जबकि लेवल 2 कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से होगा। लेवल 2 में हर स्कूल से केवल 3 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व मंत्री श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। 1 सितंबर को जदयू में शामिल हुए श्याम रजक, जिन्होंने पहले RJD में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अब पार्टी में नई जिम्मेदारी निभाएंगे। इस नियुक्ति के साथ ही जदयू के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार को झारखंड का पार्टी सह प्रभारी बनाया गया है। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से मनीष कुमार को मीडिया सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको याद दिला दें कि श्याम रजक का जदयू में ये दूसरा आगमन।
चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अब इस मैच में ऋषभ पंत ने अपनी बहुप्रतीक्षित वापसी की है और दूसरी पारी में शानदार शतक बनाया है। आपको याद दिला दें कि पंत ने अपना आखिरी टेस्ट नवंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसके बाद 31 दिसंबर को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऋषभ पंत की वापसी ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने उनकी वापसी की भी तारीफ की। यूजीसी ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को बताया है कि अगर परिसर के 100 मीटर दायरे में तंबाकू या इससे जुड़े उत्पादों की बिक्री होती है तो उससे विश्वविद्यालय की रेटिंग में गिरावट आ सकती है। यूजीसी ने निर्देश दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों को एक टबैको मॉनिटर नियुक्त करना होगा, जो न केवल परिसर में बल्कि उसके आसपास भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नजर रखेगा। इसके अलावे परिसर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिए 9 बिंदु तैयार किए गए हैं, जिनके आधार पर विश्वविद्यालयों को अपनी रिपोर्ट यूजीसी को देनी होगी। सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र में बिजली उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को लेकर दावा किया जा रहा है। इसके तहत दावा किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन कटने से बचाने के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहां आपको बिजली बिल को अपडेट करना होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की फर्जी खबरों पर विश्वास ना करें, ना ही किसी से अपनी निजी जानकारी साझा करें। ऐसा करने पर आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के कुटवा प्रखंड के जसौली पट्टी मठ माधव प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक और प्रधान शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस शिक्षा कोष ऐप की व्यवस्था की थी, लेकिन इस ऐप में छेड़छाड़ के मामले में ने सबको चौंका दिया है। मामले की शिकायत के बाद मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 14 सितंबर 2024 को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि शिक्षिका मित्र विंदा कुमारी ने कई दिनों तक विद्यालय से अनुपस्थित रहने के बावजूद अपनी उपस्थिति ऐप पर दर्ज करवाई है। इस कार्य में प्रधान शिक्षक निरंजन कुमार सिंह भी संलिप्त पाए गए। शिक्षा विभाग ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कहां नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है असम। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। हाल ही में कहां सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। हाल ही में अमेजॉन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है समीर कुमार, ऑप्शन बी है डी के मिश्रा, ऑप्शन सी है संतोष कुमार, ऑप्शन डी है राजवीर सांगवान। इसका सही उत्तर है समीर कुमार। किस ईरानी यात्री ने 1619 में बिहार की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है मोहम्मद सादिक, ऑप्शन सी है तसिंग, ऑप्शन डी है मुल्ला भवानी। इसका सही उत्तर है मोहम्मद सादिक। निम्न में कौन अपने पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद सदागत आश्रम में रहते थे? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जान के नाम है शिव शक्ति, मोहम्मद मतलूब, नरेंद्र कुमार, मंटू दास, गुलशन कुमार, सोनू यादव, रोजी खानम, रवि कुमार राम, सपना कुमारी, मुन्ना प्रसाद, राजकिशोर महतो, श्रवण कुमार, धीरज कुमार, कुनर शर्मा, राजकुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी राय में स्वास्थ्य सेवा में कौन से बदलाव होने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।